और मध्य प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए खबर पर नजर के साथ बने रहिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज इंदौर में भोपाल रेलवे आईजी महेंद्र सिंह सिकरवाल जी का रेलवे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एडिशनल एसपी एसपी सीएसपी और टीआई मौजूद रहे और साथ ही क्वारंटाइन कमरे बने कमरों का भी निरीक्षण किया और साथ ही भाप चिकित्सा वैन का मुआयना किया और औचक निरीक्षण हुआ और अपने आने का विशेष कारण जवानों की और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने आए क्योंकि कोरोना काल में 5 कर्मचारी जवान शहीद हुए। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इंदौर में रेलवे भोपाल के आईजी महेंद्र सिकरवाल जी आज इंदौर में औचक निरीक्षण के लिए आए हैं और आज हम उनसे जानते हैं कि क्या औचक निरीक्षण में क्या देखा और क्या पाया। तो आइए मिलते हैं आईजी महेंद्र सिकरवाल जी रेलवे। तो नमस्कार, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आया हूँ इंदौर के रेलवे कार्यालय और यहाँ पर आज आईजी रेलवे स्पेशल निरीक्षण करने आए हैं क्योंकि इंदौर में लगातार आपके विभाग में संक्रमण की वजह से कुछ क्षति हुई है, तो उसी को लेकर आप अपनी कुछ विवेचना करने आए हैं सर, तो बता सकते हैं आपके विवेचना। ये अभी तक जो है हमारे क्योंकि रेलवे में जो जीआरपी का स्टाफ रेलवे चल रही है और बाहर से आने वाले काफ़ी लोग होते हैं और हमारे लोग सतत उनके संपर्क में आते ही हैं कि उनको जाना ही पड़ता है और क्योंकि उनका काम है जाने का। हमारी गार्ड भी रेगुलर जाती है, हमारे यहाँ से लोग भी रेगुलर जाते हैं, लोगों की सुरक्षा के कार्य में लगे हुए हैं। तो उसमें पिछले दिनों कोरोना ने जो नुकसान पहुँचाया है उसमें अभी तक हमारे यहाँ इंदौर क्षेत्र में कुल 3 लोगों की डेथ हुई है और जीआरपी में हमारे यहाँ के कुल 7 लोग अभी तक मृत हो गए हैं। तो और इसके अलावा जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या भी बड़ी ज़्यादा है, हमारे यहाँ 159 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे। अभी बाकी तो ठीक है, अभी कुछ लोग क्वारंटीन हैं जो अपना इलाज करा रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्वारंटीन सेंटर बनाया हुआ है। वो सारी व्यवस्थाओं को देखने के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ आए थे। उसके अलावा जो रेगुलर फीचर्स होते हैं जैसे जो हमारा काम है जो चोरी की और इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन को देखने के दृष्टिकोण से और लोगों के स्वास्थ्य को देखने के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ। आपने बताया कि यहाँ पर लगातार जो घटना हो रही है तो उसी को लेकर आप मैंने यहाँ पर आए और अपने तरफ से यहाँ पर जो भी कुछ कार्यवाही चल रही है उसको लेकर भी आपने संतुष्टि जाहिर कर बने रही है। मेरे साथ मैं खबर पर नेता शैलेश कुमार दैनिक परिवर्तन से। थैंक यू। तो ये वाहन है सर, इसमें 5 तरह की जड़ी बूटियाँ और कुकर लगा रखे सर, इसमें स्टील के हिसाब से ये लगातार कुकर में 4 से 5 तरह की मतलब जड़ी बूटियाँ डाल रखी, इससे भाप से आपको जो संक्रमण की संभावना है बहुत कम हो जाती है क्योंकि हम घर पर भाप नहीं ले पाते। भाप का बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत है कोरोना में सर, तो उसी को लेकर ये राजेश बिस्कर जी हैं श्रम संस्था के, उनकी तरफ से ये कहना। हाँ जी, ठीक है, लगातार पूरे जोर शहर में भ्रमण कर रहे हैं, यदि आप का कुछ हो तो हम भोपाल में भी इस प्रकार की उनकी योजना है कि सर आपका तो बिल्कुल बहुत अच्छा है ये और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है क्योंकि टीम से बहुत फ़र्क पड़ता है लोग कोरोना में और ये तो वैसे भी मेडिकेटेड है तो अच्छा होगा। सर मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, 2 मिनट आपका भी ले लेंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा सर। मैं दूर रहता हूँ थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा एक 2 शब्द बोल दीजिए आशीर्वाद के तौर पर, थोड़ा हमको अच्छा लगेगा और भी सर नहीं एक बस एक फोटो दे दीजिए हमारे आशीर्वाद के तौर पर बस और भी जाएंगे आप।
लगाएं नई टेक्नोलॉजी वाली कान की मशीन मात्र 1600 रुपए में। जी हाँ, आपने सही सुना, कान की मशीन 1600 रुपए में। अभी ऑर्डर करें कान की मशीन। क्या आपको आपके परिवार में किसी को बवासीर, भगंदर, मसी की समस्या है? जलन व दस्त से मुक्ति पाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें और आज और अभी कॉल करें। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।